ओके okay. तो अब हम लोग डिस्कस करना जा रहे हैं इरडो का 1.132 नंबर प्रॉब्लम। ये वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका पोटेंशियल एनर्जी इस फंक्शन को गवर्न कर रहा है, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट एंड एक्स एंड वाई आर कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल। कह रहा है कि अगर ये उस पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है तो सेंट्रल की वेदर दिस फील्ड इज सेंट्रल और नॉट। फील्ड का मतलब यहाँ पे फोर्स। इस पोटेंशियल एनर्जी से जो फोर्स आ रहा है वो फोर्स का फंक्शन सेंट्रल है कि नहीं है। बी पार्ट कह रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इससे जो इस पोटेंशियल एनर्जी से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा उसका शेप क्या होगा, वो कैसा दिखेगा। चलो सॉल्व करते हैं ये पार्ट। सेंट्रल का मतलब क्या है? सेंट्रल का मतलब है कि फोर्स टुवर्ड द ओरिजिन होना चाहिए या अवे फ्रॉम द ओरिजिन होना चाहिए। मतलब अगर आपने ऐसा कोऑर्डिनेट और एक पार्टिकल यहां पे एक्स कामा वाई पे, यहां पे एक्स कामा वाई पे, तो पार्टिकल पे जो फोर्स लगना चाहिए वो इस ओरिजिन के तरफ होना चाहिए, या तो अवे हो या तो टुवर्ड हो, तभी कहेंगे कि फोर्स क्या सेंट्रल है, टुवर्ड द सेंटर। मतलब अगर ऐसा है तो फोर्स को वेक्टर फॉर्म में तुम ऐसे लिख सकते हो, सम थिंग्स यहां पे कोई सी टर्म लिख लो इनटू आर कैप, यूनिट वेक्टर इधर आर कैप। तो अगर मैं इसको हटाऊं यहां से, तो इस डायरेक्शन को मैंने आर कैप से रिप्रेजेंट किया, आर कैप। और आर कैप कुछ और नहीं होगा, आर कैप क्या होगा कि ये जो पॉइंट है इसका इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। अच्छा कोई ठीक है, इसको लिख लिया आर कैप। एक यही नहीं, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, एक नया कॉन्स्टेंट सी वन इंटू आर वेक्टर लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। ये कोई भी हो, कॉन्स्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, ठीक है, बट स्केलर है। और ये आर वेक्टर बन जाए, आर वेक्टर क्या है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनेगा। ऐसे तभी भी क्या कहोगे सर सेंट्रल है। कूल, सबका लॉजिक क्या है, टुवर्ड द सेंटर या अवे फ्रॉम द सेंटर होना चाहिए। तो आर वेक्टर क्या बनेगा, देखो ये जो आर वेक्टर बनेगा ये कुछ और नहीं बनेगा, इसी क्वेश्चन से एक्स आई कैप बनेगा प्लस वाई जे कैप बनेगा। इसका मतलब चाहे जो भी हो ये जो फोर्स होना चाहिए उसमें ये आर वेक्टर बनना चाहिए ऐसा। चलो फोर्स कैसे निकालता है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, एफ एक्स आएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन माइनस डेली बाई डेल एक्स। तो इससे वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंशिएट करोगे तो -2 अल्फा इंटू एक्स, और एफ वाई कितना आएगा, अगेन डिफरेंशिएट करो डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है, आएगा -2 बीटा इंटू वाई, बन गया। ठीक है, एक काम करते हैं, इससे नेट फोर्स का फंक्शन क्या बनेगा, इससे जो नेट फोर्स का फंक्शन बनेगा दिस वन इज -2 अल्फा एक्स आई कैप -2 बीटा वाई जे कैप दिस वन। अच्छा इससे एक सेकेंड, उससे नो दिया इसे तो एफ वेक्टर इतना आ गया। वही मैं कह रहा हूं कि इस कैसे टर्म में इसको चेंज किया ही नहीं जा सकता क्योंकि अल्फा बीटा बराबर तो है नहीं। जब अल्फा बीटा बराबर नहीं है तो -2 कॉमन निकाल सकते हो, इसे से क्या कर सकते हो, ये बनेगा अल्फा एक्स आई कैप प्लस बीटा वाई जे कैप बस। तो ये कहां बन सकता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के टर्म में कन्वर्ट ही नहीं हो सकता। जब कन्वर्ट ही नहीं होगा इसका मतलब क्या है कि दिस इज नॉट सेंट्रल फोर्स, मतलब इसको इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, सी वन इंटू आर वेक्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इट्स नॉट सेंट्रल फोर्स। सर, सेंट्रल फोर्स में जो आर की वैल्यू होती है हमेशा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप ही होती है सर। हाँ बिल्कुल सही कह रहा, टुवर्ड द सेंटर होना चाहिए। ठीक सर। अब अगला पार्ट है शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस बताना है, शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ये क्या होता है। चलो इसकी बात करते हैं, देखिए शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है एक ऐसे सरफेस की कल्पना करना जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल कांस्टेंट हो, दिस इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक ऐसे सरफेस की कल्पना करना जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल कांस्टेंट हो, तो अगर हर पॉइंट का पोटेंशियल कांस्टेंट है ना, इसमें हम यूज करते हैं मेथड वन बी पार्ट के लिए। अगर हर पॉइंट का पोटेंशियल कांस्टेंट है, हर पॉइंट का पोटेंशियल कांस्टेंट है, यू कांस्टेंट होना चाहिए, यू कांस्टेंट होना चाहिए। व्हाट इज यू,
यू इज द पोटेंशियल एट क्वाड्रेंट एक्स कम वाई। अब एक्स वाई चेंज करो, एक्स चेंज करो, वाई चेंज करो, बट यू बार बार सेम आए, तो तुम कहोगे कि ऐसा सरफेस जिसका एक्स वाई चेंज करने के बाद ही यू चेंज नहीं हो रहा है, तो सरफेस इक्विपोटेंशियल कहलाएगा। इसका मतलब एक कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, मतलब वो जो सरफेस होना चाहिए वो इसको गवर्न करना चाहिए, उस सरफेस का इक्वेशन ये बनना चाहिए, ये कॉन्स्टेंट आना चाहिए। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सरफेस। अब एक्स वाई चेंज करो, सी बट कॉन्स्टेंट होना चाहिए, जो भी हो, सी 4 है, 5 है, 6 है, 10 है, बट कॉन्स्टेंट होना चाहिए। तो अगर ये कॉन्स्टेंट हो गया तो इक्वेशन ही बन गया, यही इक्वेशन है। अब इसका शेप क्या होगा, तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, सी स्क्वायर डिवाइड बाई, इस सी को यहां भेजो, अल्फा के नीचे भेजो, तो बनेगा सी अपॉन अल्फा प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई सी अपॉन बीटा एंड दिस इज वन। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस कंपेयर करा रहा हूं वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड दिस इज वन। और ये ए है किसके बराबर, सी अपॉन अल्फा का रूट बनेगा। अब बी किसके बराबर आएगा, इट इज अंडर रूट सी अपॉन बीटा बनेगा। तो ये जो इक्वेशन बना है ये यही तो है, और ये इक्वेशन इलिप्स का होता है, दिस इज इलिप्स, जिसमें ए और बी बराबर नहीं होता, अगर ए बी बराबर हो गया तो सर्कल, अदरवाइज इलिप्स। तो मैं कहूंगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ और नहीं, क्या होगा, इलिप्स हो, दिस वन इज इलिप्स। तो आंसर क्या आ गया, इलिप्स होना चाहिए, एलएफसी दी है। हाँ इलिप्स देगा। और अब आपको पता करना है कि इस इलिप्स में एक्सिस का रेशियो पता किया जाता है, जैसे इलिप्स ऐसे हैं, ऐसा। तो ये है दिस लेंथ इज ए स्मॉल, इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, इसको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। तो इसका रेशियो चेक करना होता है इलिप्स के लिए, तो ए अपान बी का जो रेशियो आएगा इसको इससे डिवाइड कर दो, जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो बनेगा रूट बीटा अपान ए। तो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, बोलते हैं कि दिस इज एलिप्स ऑफ रेशियो ऑफ सेमी मेजर एक्सिस टू माइनर एक्सिस इज रूट बीटा अपान ए, या मेजर एक्सिस टू माइनर एक्सिस इज रूट बीटा अपान ए। क्योंकि जब मेजर पे जाओगे पूरा ये, अच्छा ये सेमी मेजर एक्सिस है, ये पूरा मेजर एक्सिस है, ये सेमी माइनर, ये पूरा माइनर एक्सिस। तो इस पूरे का रेशियो निकालो, या इसका इसका निकालो, बात क्या है, देखिए तो दिस वन इज आंसर। ये तो मेथड वन था। ओके अब मैं ना सेकेंड अप्रोच बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सेकेंड अप्रोच क्या होता है पता है, अगर किसी सरफेस का पोटेंशियल हर जगह सेम है तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है डेल यू बाई डेल आर, ऐसा होता है। तो ये तो जीरो आ जाएगा, इसका मतलब अगर पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम है तो उस सरफेस के अलोंग फोर्स नहीं आना चाहिए। अगर कोई कह रहा है कि ये सरफेस एक अजीब सा सरफेस ऐसा है, तो अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स कमा वाई, अगर कोई कह रहा है कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो चाहे जो भी हो जाए इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका इसका पोटेंशियल बराबर है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, जीरो। तो इस टेंजेंट के डायरेक्शन में जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो जाएगा तो फोर्स नहीं आना चाहिए, तो फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं होगा। चलो इसमें मिस्टेक कहां हुआ मैं बताता हूं, ये एक बार सुंदर है, पोटेंशियल ये है एक्स वर्सेस वाई का, मैंने पोटेंशियल ग्राफ ऐसे बना दिया, ये ग्राफ पोटेंशियल का है, ये ग्राफ पोटेंशियल का है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इस सरफेस इक्विप के एलोंग है, तो इस सरफेस के एलोंग पोटेंशियल का चेंज जीरो आएगा, तो इस सरफेस पोटेंशियल पोटेंशियल का चेंज जीरो आएगा। इस सरफेस अलोंग अगर पोटेंशियल का चेंज जीरो आता है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं होना चाहिए, इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं होना चाहिए, फोर्स किस डायरेक्शन होना चाहिए, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, अगर हो सकता है तो चाहे जो भी हो, अगर ये पोटेंशियल जो ग्राफ है, अगर ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, लेकिन पोटेंशियल जो ग्राफ है तो ऐसे कोई कैसे निकालेगा, वो तो ऐसे लिखेंगे ना, ये तो एक्स वर्सेस वाई में
एक्स का ग्राफ है सर, ये तो सर ठीक है, मैं ये बस बोल रहा हूं कि अच्छा इससे फोर्स का फंक्शन क्या आया था, माइनस अल्फा 2x। इससे वाई का फोर्स का फंक्शन क्या आया था, माइनस 2 बीटा वाई, ये बना था fx से fy। ठीक है, तो इससे जो भी फोर्स में है, ज्यादा नहीं सोच रहा हूं, सिंपल सोच रहा हूं कि fx वाला फोर्स कैसे है, नेगेटिव डायरेक्शन में कितना है fx का फोर्स, fx का फोर्स है 2 अल्फा इतने का, और fy किसके बराबर है, 2 बीटा वाई है। तो जो फोर्स का डायरेक्शन है, ये जो फोर्स का डायरेक्शन है, अगर मैं पूछूं सर, कि 2 बीटा वाई डाउनवर्ड होगा सर, जहां तक हाँ सही कर, माइनस है वो। ये बनेगा 2 बीटा वाई। अब मुझे ये बताओ, अगर मुझे ये जानना हो कि ये वाला एंगल कितना है, मैं बस ये एंगल जानना चाहता हूँ, ये एंगल कितना है, दिस इज अल्फा, लेट्स अल्फा नहीं, इसका मान लो थीटा वन है, तो आप इसे क्या बताओगे, टेन थीटा वन इज नथिंग बट दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, तो ये लेंथ क्या है 2 बीटा वाई, ये है 2 अल्फा एक्स, तो इससे बनेगा ये बीटा वाई अपॉन अल्फा एक्स, ये बनेगा। अच्छा ये स्लोप किसका है, ये तो फोर्स का स्लोप है, ये तो फोर्स का स्लोप हो गया कि फोर्स एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। इक्विपोटेंशियल सरफेस की खासियत होती है कि अगर कोई कहे कि सपोज करो ये पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर जगह सेम है, पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसा कर्व है कि इस कर्व के इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर जगह पोटेंशियल एनर्जी सेम है, तो पोटेंशियल सेम है तो इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं आएगा, फोर्स क्या होता है डिफरेंशिएशन पोटेंशियल एनर्जी की, तो अगर पोटेंशियल सेम हो गया तो फिर फोर्स नहीं आएगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है डिफरेंशिएशन होता है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं आएगा। तो ये जो भी फोर्स होना चाहिए वो फोर्स क्या होना चाहिए, इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ये फोर्स का डायरेक्शन ऐसा आना चाहिए अगर ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है, तो इक्विपोटेंशियल का कर्व है, तो ये एक्स ये वाला एंगल थीटा है। तो कोई पूछे कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन इस कर्व पे स्लोप का इक्वेशन क्या होगा, इस कर्व पे स्लोप, तो ये और ये परपेंडिकुलर है ना, आपस में परपेंडिकुलर है ना, तो ये इक्वेशन इक्वेशन परपेंडिकुलर है, दो स्ट्रेट लाइन ये नॉर्मल और ये टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर है तो उसमें एक इक्वेशन होता है m1 m2 = -1, दो इक्वेशन अगर परपेंडिकुलर है तो ये किसका स्लोप है, फोर्स का, तो मैं लिख लिया बीटा वाई अपान अल्फा एक्स, और m2 किसका स्लोप है, इस कर्व का इक्विपोटेंशियल का, तो उसको मैं लिख लिया dy/dx, मान लिया क्योंकि इस पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्स कमा ही वाई है, एक्स कमा वाई पे ये वाला लाइन का स्लोप ये है और इस लाइन का स्लोप m2 है, दैट इज -1, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको इधर भेजो और इसको इधर रहने दो, तो बनेगा बीटा वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस अल्फा एक्स डी एक्स, नाउ इंटीग्रेशन कर दो, ये क्या बनेगा y² / 2 / 2, और इससे क्या आएगा माइनस अल्फा x² / 2, और एक कांस्टेंट लगाओगे तो 2 इधर भेजोगे तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, इससे एक बार फिर क्या प्रूफ हो गया, गया कि अल्फा x² + β y² एंड शुड बी कांस्टेंट, यही होना चाहिए, जो कि मैं इसको कांस्टेंट करके प्रूफ किया था। तो जब एक बार कांस्टेंट हो गया तो फिर हम प्रीवियस पेपर पे चले जाएंगे और वहां से बता दें कि क्या बनेगा, एलिप्स ही बनेगा, बात समझ में आई। पिछला